नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैरो कार्ड विद कृष्णा में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2019 का वार्षिक राशिफल वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। तो आइए देखते हैं टॉरस कैसा रहेगा आपका 2019। सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं जैसा कि हर बार करते हैं। सबसे पहला कार्ड मेरे पास जो आया है वो है फोर ऑफ द कप्स का। दूसरा कार्ड जो आ रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ द सोर्ड्स और तीसरा कार्ड है टू ऑफ द वॉन्ड्स। चौथा कार्ड आया हुआ है फाइव ऑफ द सोर्ड्स और पांचवा कार्ड आपके लिए आया हुआ है सेवन ऑफ द वॉन्ड्स का। एक कार्ड हर बार की तरह हम पॉजिटिव में लेंगे। आपके लिए पॉजिटिव में आया हुआ है अनएक्सपेक्टेडली थ्री ऑफ द सोर्ड्स। अनएक्सपेक्टेडली क्यों है मैं आपको भी बताऊंगा। और नेगेटिव में आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ द कप्स। सबसे पहले थ्री ऑफ द सोर्ड्स की बात कर लें, ये पॉजिटिव में आपके लिए आया है। टॉरस, आप कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पर आप निकल नहीं पाते हो और उस सिचुएशन में फंसे फंसे आप एक तीसरी सिचुएशन में फंस जाते हो। ये लव अफेयर हो सकता है जिसमें ट्रायंगल आ जाए, आपके फैमिली के मैटर्स हो सकते हैं जिसमें किसी एक मैटर पर आप फंसे हुए हैं और दूसरी प्रॉब्लम उधर से और आ जाए। ये आपके ऑफिस जॉब या बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है जहां पर एक प्रॉब्लम सुलझी नहीं और दूसरी आपके सिर पर आकर खड़ी हो गई। करना क्या चाहिए थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देख लूंगा। अभी एक लाइन में आंसर दे सकता हूं लेकिन थोड़ी इंटरप्रिटेशन देख लूं किसी और के साथ क्या इंटरप्रेट हो रहा है। एक और बात को, ये वर्ष 2019 का वार्षिक राशिफल है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो टॉरस, जैसा कि पिछला साल आपने देखा होगा और महसूस किया होगा कि पिछले साल में आपने क्या क्या गलतियां करी और किस गलतियों की वजह से आपको बेनिफिट्स नहीं मिले। आप अपने आप को इतना ज्यादा इग्नोर कर जाते हो। अपने आप को इतना इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। अपनी योग्यता और अपनी ही क्षमता के ऊपर सवालिया निशान लगाना छोड़ दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। देखिए ये हुआ क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ये बेसिकली हुआ इसलिए कि आपने अपनी ही योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि आपके अंदर अगर तीन तरह की योग्यता है और चौथी नहीं है तो आपने तीन को इग्नोर किया और चौथी के चक्कर में पड़े रहे। ये बंद करिए। जो चीज आपके पास है उसमें खुश होइए, पहली चीज। दूसरी, उस रिसोर्स को यूज करना चाहिए आपको, लेकिन आप क्या करते हैं जो आपके पास नहीं है आप उसके चक्कर में परेशान हैं। अपने रिसोर्सेस को यूज करना सीखिए टॉरस, ये आपको करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते तो बहुत नुकसान खाएंगे आप अपनी लाइफ में। प्रिंसेस ऑफ द सोर्ड आपके लिए आई है। आप रिस्क लेने से थोड़ा डरे हुए हैं इस साल 2019 में, ये मुझे बता रहे हैं कि इस साल आपको रिस्क लेने में थोड़ा सा निडरता दिखानी चाहिए, दिखानी पड़ेगी। अगर आपने इस 2019 में कोई रेजोल्यूशन बना रखा है तो उस रेजोल्यूशन में फेल होने के चांसेस अच्छे बने हुए हैं। रेजोल्यूशन मैं हिंदी दर्शकों के लिए बता दूं कि अगर आपने कोई कुछ ठान लिया है कि इस 2019 में ये कंप्लीट करना है, कोई गोल सेट कर लिया है, तो उस गोल के अचीव करने में इस साल आपको प्रॉब्लम फेस होगी। प्रॉब्लम क्यों फेस होगी, उसका रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा ये चाहोगे कि उन चीजों को कोई आपके लिए कर दे। तो कोई आपके लिए कर दे उसके लिए पहला एफर्ट आपको करना होगा। जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे चीजें उस तरह से नहीं चलेंगी। फाइव ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया हुआ है, सेवन ऑफ द वॉन्ड्स भी आया हुआ है। आपको इस पूरे पूरे साल में किसी भी तरह के झगड़े और झंझट से दूर रहना चाहिए। अगर मुकदमेबाजी से आप इस साल दूर रह सकते हैं तो रहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी में इस साल आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। प्रिंसेस ऑफ द कप्स का कार्ड आया हुआ है, वो भी रिवर्स में है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का भला करने की कोशिश करते हैं जिसका भला नहीं करना चाहिए तो आप नुकसान खा जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने किसी गलत व्यक्ति का, जिसे आप जानते ही होंगे कि इसका भला नहीं करना चाहिए, इसका भला करने से मेरा नुकसान है, और अगर आपने उसका भला किया तो आप नुकसान उठाएंगे। वो नुकसान होगा कैसा मैं आपको बता दूं, वो फाइनेंशियल भी होगा और सोशल भी होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आपके नुकसान होगा। इस साल सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी शुरुआती मंथ में बढ़ेगी, अप्रैल और मई का महीना आते आते वो स्टेबल नॉर्मल हो जाएगी और जून जुलाई के बाद आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ा सा ढलाव के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के झगड़े झंझट और बिना वजह के जजमेंट देने से, सलाह नहीं जजमेंट देने से बच गए तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर जजमेंट की पोजीशन आती है जून के बाद में, जून बता रहे हैं, हाँ
पांचवा महीना जो होगा वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा आपका। पांचवें महीने से लेकर के छठा महीना थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, उस समय आप देखेंगे कि कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, तो उस महीने को निकाल दीजिए। छठे महीने के बाद अगर आप जजमेंट की पोजीशन में आते हैं तो आपको जजमेंट नहीं देना चाहिए, आपको सलाह दे देनी चाहिए, लेकिन जजमेंट मत दीजिएगा, क्योंकि सलाह देंगे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने जजमेंट दिया तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरेगी। अब आते हैं थ्री ऑफ द स्वॉर्ड्स के ऊपर। अगर आप किसी भी तरह के ट्रायंगल रिलेशन में, किसी भी तरह के ट्रायंगुलर सिचुएशन में फंसे हैं तो वहां से बाहर निकल आइए। पहली चीज, अगर आप किसी तरह के ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में हैं, लव अफेयर में हैं, तो उस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को इस साल बिल्कुल पोस्टपोन कर दीजिए या बंद कर दीजिए। मैं तो कहूंगा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके एक्सपोज होने और सामाजिक प्रतिष्ठा में नुकसान होने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। अगर आप किसी त्रिकोणात्मक सिचुएशन में फंसे हैं जो प्रेम संबंध नहीं है, तो वहां से निकलने के लिए आपको उस त्रिकोणात्मक सिचुएशन को पहले द्वय करना होगा, यानी टू एंगल पे लाना होगा। एक एंगल को छोड़ दीजिए, अगर त्रिकोणीय समस्या में आप फंसे हैं तो एक कोण को छोड़ दीजिए, वहां से जो नुकसान हो रहा है उसे होने दीजिए, पहले इस दो एंगल को सुलझाइए। इस दो एंगल को सुलझाने के बाद ही आप तीसरे को सुलझा पाएंगे, और अगर इस दो को आपने सुलझा लिया, सपोर्टिंग कार्ड लिया है, आया हुआ है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स आपके फेवर में, तो जो तीसरे एंगल से आपको लॉस हुआ है उस पूरे लॉस को न सिर्फ आप कवर कर पाएंगे बल्कि बहुत बढ़िया से कवर कर पाएंगे। तो अब आपके लिए इस पूरे साल का एक सजेशन ले लेते हैं। सजेशन में आपके लिए आए हुए हैं किंग ऑफ द वैंड्स। किंग ऑफ द वैंड्स आपको बताते हैं कि आप जजमेंट की पोजीशन में आने के बावजूद जजमेंट नहीं दें, एक बार फिर से वही वाली बात। हालांकि आपके द्वारा दिए गए सलाहों को लोग जजमेंट की तरह यूज करेंगे वो दूसरी बात है। अभी पहले मुझे वो नहीं पता था, लेकिन अब किंग ऑफ द वैंड्स ने आकर के मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी है कि आप अगर सलाह देते हैं तो लोग उसे पहले तो सलाह मानेंगे, लेकिन बाद में जब उस सलाह से उनका बेनिफिट हो जाएगा तब वे ये समझेंगे कि वो आपका एक तरीके से जजमेंट था उनके फेवर में या किसी के फेवर में, और वहां पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस साल आपको अपने आप को थोड़ा सा गंभीर रखने की कोशिश करनी होगी, थोड़ा सा मेंटेन करना है बैलेंस को आपको। अगर आपने वो बैलेंस मेंटेन कर लिया तो आप नई संभावनाओं, नई योजनाओं को अमली जामा पहना पाएंगे, साल को अपने अनुसार यूज कर पाएंगे। जो एक सबसे बढ़िया चेतावनी या कहें सजेशन आपके लिए आ रहा है वो ये है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की छोटी मोटी चीजों में सलाह देनी बंद कर दीजिए। छोटी छोटी बातों पर सलाह मत दीजिएगा। अगर कोई बड़ी सिचुएशन होती है, आपसे जजमेंट मांगा जाता है, तो आप सलाह दीजिएगा। तो टॉरस, ये था आपका वार्षिक राशिफल 2019 का। टैरो कार्ड विद कृष्णा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।